अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, बेसिकली कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक पोल दिया था जिसके अंदर मैंने हमसे ये पूछा था कि यार आपको पिजन्स की ब्रीड के ऊपर वीडियो चाहिए किसी भी हवाले से। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आपको याम सिमानी के ऊपर चाहिए स्पेशली, तो बहुत सारे लोगों ने याम सिमानी को और 50% बोल रहा था। इंशाल्लाह आज की जो वीडियो है वो याम सिमानी के ऊपर है, और आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि जो कबूतर है उसकी परख कैसे की जाती है और आप किस तरह एक अच्छा कबूतर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। तो जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो है ना इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। यार अयाम सिमानी के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी और उसके ऊपर तकरीबन 4000 जो है ना वो लोगों के डिफरेंट क्वेरीज आई थी कि यार इसके बारे में आप बताएं, तो इसके बारे में बताएं। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि यार ये जो ब्लैक चिकन जो फेक है, जो नकली है, वो चाइना की है, क्योंकि बेसिकली मैं चाइना में इस टाइम और मैंने यहाँ पर इतनी चिकन देख ली हैं काले रंग की, जो टोटू जो है ना वो माउथ तक जो है ना जितने आप उसको लगा लें बिल्कुल ही ब्लैक होती है और कुछ भी उसके अंदर ना दूसरी पिगमेंटेशन नहीं होती, थोड़ी सी रेडिश होती है। तो अब कुछ लोगों ने कहा कि नहीं यार ये इंडिया में होती है, कुछ ने कहा नहीं यार ये चाइना में है, कुछ ने कहा नहीं यार ये स्वीडिश में है। उन सब की बातें ठीक हैं क्योंकि ये इस तरह की मुर्गियाँ मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, लेकिन जो अयाम सिमानी की ब्रीड है वो उसको क्यों जो है ना दूसरी ब्रीड से जो है ना वो एक अलग जो है ना मुनफरिद बनाती है, वो उसकी जो है ना उसके ऊपर मैं आप इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करूँगा। तो चलें तीन चीज़ें मैं अयाम सिमानी की आपको बताऊँगा जिसको देखने के बाद आप जो है ना एक परफेक्ट और प्योरिटी वाली जो है ना अयाम सिमानी ब्रीड खरीद सकेंगे। सबसे पहली जो उसके अंदर क्वालिटी है ना कि आपने वो देखनी है कि उसकी कलगी से लेके, ठीक है, उसकी कलगी को आपने देखना है, कलगी से लेके पांव तक उसको काला होना चाहिए। काले से अब मुराद ये है कि कलगी काली, चोंच भी काली, आंखें भी काली, पर भी काले और पर शाइन वाले होने चाहिए, ठीक है। और जो कलगी है वो शाइन वाली नहीं होनी चाहिए, कलगी बिल्कुल जिसे हम मैट ब्लैक कहते हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। तो कलगी खुरदरा जो काला रंग होता है उस तरह की होनी चाहिए, कलगी पे बिल्कुल शाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। परों पे इनके शाइन होनी चाहिए और जो पांव होंगे वो पर डार्क ग्रे कलर के होंगे, ठीक है, डार्क ग्रे कलर के। लाइट ग्रे में हो तो आपने नहीं लेनी, ठीक है, वो इम्प्योरिटी में आ जाती है। पहली बात तो आपकी ये हो गई। तो साथ साथ जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, मैं इन तस्वीरों को इसलिए लगाता हूँ कि कम से कम अगर मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो आप लोगों को पता लग जाए कि यार अच्छा ठीक है मैं ये बात कर रहा हूँ। अब डार्क ग्रे क्या होता है, लाइट ग्रे क्या होता है, वो आपको तस्वीरों से पता लग जाएगा, ठीक है। और कलगी का कलर क्या होता है, मैट ब्लैक क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी तस्वीरें देखने के बाद, ठीक है। दूसरी इसके अंदर जो चीज़ होगी, आपने कलगी को देखना है और मुंह को देखना है। कलगी के अंदर आपने देखना है कि ज़रा सा भी रेड पिगमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पूरी कलगी ब्लैक है, ज़रा सी कहीं से कलगी जो है ना या डार्क ब्राउन कलर में आ रही है या हल्की सी रेड शेड दे रही है तो वो इम्प्योरिटी के अंदर, ठीक है, वो बिल्कुल आपने उसको बिल्कुल भी नहीं खरीदना, पहली बात तो ये होगी, ठीक है। दूसरा आपने इसका चेहरा देखना है, चेहरा आपने कैसे देखना है, सॉरी माउथ देखना है, माउथ आपने इसका कैसा देखना है, आपने इसका जो है ना वो खोल लेना है, मुंह दोनों चोंचे खोल ली, चोंचे ब्लैक देख लेनी है आपकी ब्लैक हो, ठीक है। ब्लैक होने के बाद आपने दोनों चोंचे खोल लेनी है और आपने ज़ुबान देखनी है काले कलर की, ठीक है, और अंदर वाला जितना हिस्सा है वो आपका डार्क ग्रे कलर या ब्लैक कलर का होना चाहिए। ज़रा सा रेड पिगमेंटेशन अंदर कहीं नज़र आ जाए, समझ लें ब्लैक जो है ना वो आपकी ये इम्प्योरिटी के अंदर है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो है ना वो सबसे मेन है और वो उसके बाद आपको पता लग जाए कि अगर वो चीज़ किसी भी मुर्गे में मौजूद हुई तो समझे कि वो बिल्कुल दो नंबर चीज़ है और आपने उसको हाथ भी नहीं लगाना। किसी पर में सफ़ेद कलर का या किसी भी और कलर का आ जाना, ठीक है। कोई नाखून जो है ना, आप ये देखते हैं कि यार सारा ऊपर से लेके नीचे मुर्गी जो है ना वो बिल्कुल काली है, पंजे डार्क ग्रे कलर के हैं,
लेकिन जो पंजे हैं के बाद नाखून आते हैं ना, चार पंजे तो यार काले कलर के हैं लेकिन एक कलर वाइट मार रहा है शेड, तो वो भी इम्प्योरिटी में आती आगे। तो ये कुछ बंदों ने जो मुझे याम से मानी के ऊपर जितनी भी क्वेरीज की थी उन सब ने जो है ना एक डिटेल्ड वीडियो बनाने को कहा था, जिसके साथ साथ मैं आपको तस्वीरें इसलिए साथ शो करूँ कि आप लोगों को पता लगता रहे। कोई एक पंजा जो है ना वो वाइट शेड में आ गया, वाइट कलर का आ गया। अब कुछ लोगों को जो कबूतर पालते हैं उन लोगों को मेरी बात समझ आ जाएगी कि जो मोमी नोके होती है उनके ऊपर ब्लैक शेड जब आ जाए, या कबूतर का अगर क्रॉस चेक करना हो तो पंजे चेक किए जाते हैं कि दो नाखून किसी और कलर के होते हैं, तीन नाखून किसी और कलर के होते हैं, या कोई एक नाखून किसी और कलर का होता है, तो वो पता लग जाता है कि इसके अंदर किसी दूसरे कबूतर का क्रॉस डला हुआ है। तो उस वजह से पता लग जाता है कि यार ये जो ब्रीड है ये इम्प्योरिटी के अंदर है, ये प्योरिटी में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें बेसिकली आपने ब्रीड में देखनी है, और अगर आपने ये देखने के बाद आप कंफर्म कर लें कि हाँ ठीक है आपकी कलगी जो है वो पूरी ब्लैक है, उसके अंदर कोई पिगमेंटेशन रेड की मौजूद नहीं है, मुंह खोल के देखा उसके अंदर कोई रेड पिगमेंटेशन मौजूद नहीं है, आपने पर देखे शाइन कर रही है और कोई वाइट कलर का या कोई भी दूसरा डार्क ब्राउन कलर या कोई दूसरे कलर का पर मौजूद नहीं है उसके अंदर, तो आप 100% तौर पे सेटिस्फाई हो सकते हैं कि ठीक है यार ये अयाम सिमानी ब्रीड मौजूद है। और एक लास्ट आपको बोनस टिप देता जाऊं कि जो अयाम सिमानी का अंडा होता है वो क्रीम कलर का होता है, जो ब्राउन कलर होता है उसको अगर हम लाइटर शेड में ले लें तो वो क्रीम कलर बेसिकली बोला जाता है, उस कलर का अंडा होता है। अगर इसका कलर, अंडे का कलर आपको जो है ना ग्रीन डार्क लाइट ग्रीन कलर का या थोड़ा सा फ्रोजी शेड जो है वो कलर में अगर इसके अंडे आते हैं तो आप समझ जाएं कि ये नकली अयाम सिमानी है, क्योंकि स्वीडिश ब्लैक चिकन जो है ये उस कलर के अंडे देती है जो फ्रोजी कलर के शेड के अंडे होते हैं, तो आपने समझ जाना है कि ये अयाम सिमानी नहीं है। अगर आपको कोई ये कह के भेज रहा है ना कि यार ये स्वीडिश ब्लैक चिकन है या ये चाइना से बुराई हुई ब्रीड है, आप जो है ना 2,000 में 3,000 में ले लें मुझसे तो ले लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, और वो अंडे जो है दूसरे कलर में दे रही है तो ठीक है उसकी प्राइस इतनी है। लेकिन अगर अयाम से मानिए आपको 40,000 रुपये 50,000 रुपये में जोड़ा बेच रहा है और ये सारे उसके अंदर मसले मौजूद हैं, इतने पैसे भी मांग रहा है, ऊपर से फिर जो है ना आपको ब्रीड भी इम्प्योर दे रहा है, तो आप बिल्कुल उसको अवॉइड करें और बिल्कुल उसको परचेज ना करें। तो इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आप लोग को जो है ना मेरी बात ज़रूर समझ आई होगी, और आप परचेस करने से पहले ज़रूर अपने दोस्तों के साथ और भाइयों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको पता लगे कि यार ब्रीड मैंने ख़रीदनी है तो उसके अंदर क्या चीज़ देखनी है। तो आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ चाहता, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ़रमाने अल्लाह।